हाय, आज की क्लास में हम डिजिटल क्लॉक के बारे में बात करेंगे। किस तरह से हम डिजिटल क्लॉक को हमारी एप्लेट के ऊपर लाकर डिस्प्ले कर सकते हैं और किस तरह से हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज वन बाय वन एक एक वैल्यू को चेंज करके किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब हमारे पास वैल्यू जो होती है इंटीजर के फॉर्म में होती है, तो उस इंटीजर को हमें यहाँ वन बाय वन डिस्प्ले करते रहना है और हर बार उस इंटीजर की वैल्यू चेंज होती जाएगी और उस चेंज वैल्यू को हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ हमारा एनिमेशन नहीं होगा, हमारा एक डिजिटल क्लॉक होगा। इस केस में भी हम रेनेबल इंटरफेस का यूज़ करते हुए थ्रेड को क्रिएट करेंगे और उस थ्रेड के थ्रू हम हमारी वर्किंग परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ हम किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ करके देखते हैं। ये हमने एक काउंटर नाम से क्लास बनाई है। इस काउंटर क्लास में अगेन हमने रेनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हुए थ्रेड को क्रिएट किया है, वही जो वर्किंग हमने लास्ट क्लास में देखी थी। नाउ इस केस में हमने यहाँ एक एसटी नाम से वेरिएबल लिया है जो अभी इनिशियली ब्लैंक है। नाउ अब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक एक वैल्यू जनरेट होती आएगी एज ए काउंटर और वो काउंटिंग वैल्यू हमारे सामने वन बाय वन चेंज होती नजर आएगी और वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले होती नजर आएगी। तो उसके लिए हम यहाँ एक ही जगह एक काउंट नाम से वेरिएबल बता देते हैं जो हर बार चेंज होता रहेगा जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा। तो अब इस केस में हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी वैल्यूज रिपेंट मेथड नंबर ऑफ टाइम कॉल होती जाएगी और काउंटर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं वन बाय वन काउंट की वैल्यू को, या तो अगर आपको यहाँ परफॉर्म करना है तो आप पेंट मेथड में भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन परफॉर्म इट इन साइड अ रन मेथड ऑल्सो। सो हियर जैसे ही एक बार रिपेंट होगा हम काउंट की वैल्यू को एक से इंक्रीज करते जाएंगे वन बाय वन और उस काउंट की वैल्यू जो हमारे पास आती जाएगी उस काउंट की वैल्यू को हम यहाँ पर एसटी के साथ अपेंड करते हुए काउंट को डिस्प्ले करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ जो हमारे सामने एप्लेट के ऊपर स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी वहां पर हमारे पास अब वैल्यू चेंज होती नजर आएगी है। तो इस केस में हमारे पास वन बाय वन इंटीजर वैल्यूज आती आ रही है और उसको हमें उस स्ट्रिंग के साथ कॉन्किटिनेट करते हुए डिस्प्ले करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एप्लेट के ऊपर इसको इस वैल्यू को डिस्प्ले करवा कर परफॉर्म करके देखते हैं। ये हमने हमारी क्लास को काउंटर डॉट जावा से सेव किया। देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रिंग स्पेसिफाई हुआ है यहाँ पर हमारे को स्पेसिफाई एक्सटेंड्स कीवर्ड्स। सो इस केस में हमने यहाँ इसको प्रॉपरली स्पेसिफाई किया। सो हमने यहाँ देखा जावा काउंटर डॉट जावा स्पेसिफाई किया, देन एप्लेट व्यूअर किया, देन अगेन काउंटर डॉट जावा स्पेसिफाई किया। ये देखिए आपके सामने काउंटर 1 2 3 4 5, इस तरह से काउंटर की काउंट की वैल्यू वन बाय वन इंक्रीज होती आ रही है। एस टी में हमने ब्लैंक बताया था लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे सामने काउंट की करस वैल्यू हर बार चेंज होती आ रही है और हमारे एप्लेट के ऊपर चेंज वैल्यू हर बार डिस्प्ले होती नजर आ रही है। तो इस तरह से हमने ये काउंटर नाम की क्लास बनाई। दिस इज द सिंपलेस्ट वे थ्रू विच यू कैन इम्प्लीमेंट इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग द नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क इज योर डिजिटल क्लॉक वेयर वी रिक्वायर्ड सम फंक्शनलिटी थ्रू विच वी कैन चेंज द हाउ कैन वी डिस्प्ले द क्लॉक डिजिटल क्लॉक। सो अगेन हियर आई एम कॉपी दिस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी एंड द डिजिटल क्लॉक। द नेम नोन एज डिजिटल क्लॉक, सेम नेम हम हियर वी कैन स्पेसिफाई डिजिटल क्लॉक। नाउ इस केस में हमें काउंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने यहाँ काउंटर की जगह हम आर के लिए हमने ले लिया। यहाँ पर आर हम डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा मिनट और सेकंड का ही यूज़ करेंगे क्योंकि आर डिस्प्ले होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम यहाँ मिनट और सेकंड के करस्पॉन्डिंग डिजिटल क्लॉक को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ दो वेरिएबल लेंगे, एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग एक एस टी वन ले लिया हमने यहाँ पर, और एक एस टी या फिर एस टी वन ना लेते हुए मिनट के लिए हमने यहाँ टू यूज़ किया। हमने दोनों को इनिशियली 00 बता दिया क्योंकि हमें यहाँ डिजिटल क्लॉक देखना है, तो इनिशियली जब वैल्यूज होगी
जो सिंगल डिजिट में होगी, तो सिंगल डिजिट में हमारी वैल्यू 00 के फॉर्म में किस तरह से डिस्प्ले होगी, तो वो भी अभी हमें यहाँ देखना है। इनिशियली मिनट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी वो हम यहाँ वर्किंग करके देखते हैं कि किस तरह से हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमने इनिशियली मिनट और सेकंड की वैल्यू को इनिशियली 0 से सेट कर दिया, सेकंड को भी 0 से सेट किया। देन यहाँ पर हम वन बाय वन इस फंक्शनलिटी में आएंगे, तो अब यहाँ हर बार हमारी वैल्यू चेंज होती नजर आएगी, तो हमें उस चेंज को किस तरह से परफॉर्म करना है वो यहाँ हम वर्किंग परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि सेकंड जब हमारे पास आएगा तो इनिशियली हमें ये देखना है कि सेकंड कब तक चलेगा। जैसे ही हमारा 60 वैल्यू होगी तो सेकंड कन्वर्टेड इनटू मिनट, तो जब जब तक सेकंड नहीं आता तो वो किस तरह से वर्क करेगा ये देखते हैं। तो हमने इनिशियली जैसे ही हमारा अगर मिनट के जैसे ही हमारा सेकंड 60 के करस्पॉन्डिंग हो जाए तो उसकी वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाए। तो हमने यहाँ इसकी वैल्यू को डिवाइड किया 60 की करस्पॉन्डिंग। देन नेक्स्ट हमने यहाँ परफॉर्म किया, सेकंड को हम चेक करते आएंगे तो सेकंड की वैल्यू भी चेंज होती आएगी। तो सेकंड हम चेक करते आएंगे कि क्या उसकी वैल्यू हमारे पास, तो हम हर बार रिमाइंडर निकालते आएंगे सेकंड को 60 से डिवाइड करते हुए। तो सेकंड इनिशियली 0 है तो 0 को 60 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 0 आएगा हमारे पास। देन तो हमारे पास इनिशियली जैसे ही हमारे पास वैल्यू आए तो हम सेकंड की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ स्ट्रिंग करते हुए उस पर्टिकुलर डिजिटल क्लॉक को डिस्प्ले कराएंगे। तो हमने ये डिजिटल क्लॉक को डिस्प्ले कराया, हमारे पास ST1 आ रहा है। देन उसके बाद हमने यहाँ आकर उसको अगेन यहाँ एक स्ट्रिंग अपेंड की जिसमें हम बीच में जाकर कॉलन स्पेसिफाई करना चाहते हैं। देन उसके बाद ST2 की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इनिशियली ST1 में 00 है और ST2 में 00 है, तो हमारे पास चले 00 डिस्प्ले होगा। देन मिनट की वैल्यू जैसे ही 60, सेकंड की वैल्यू जैसे ही 60 को क्रॉस करेगी, तो जब तक हमारे पास 1, 2, 3, 4 अप टू 59 आता जाएगा, हमारा वैल्यू मिनट के अंदर नहीं जाएगा, मिनट में हमारा 0 ही रहेगा। लेकिन जो सेकंड की वैल्यू भी इसी तरह से वर्किंग करेगी और हर बार हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, जब तक 59 होगा रिमाइंडर हमारा सेकंड में 59 ही आता जाएगा। तो इनिशियली हर बार हम सेकंड की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे, तो सेकंड की वैल्यू हर बार चेंज होती आएगी, सेकंड प्लस इक्वल टू 1। इनिशियली हमने सेकंड को 0 रख रखा है, तो ये वैल्यू हमारे सामने 1 बाय 1 आती जाएगी और डिस्प्ले होती जाएगी। अब हमें यह चेक क्या करना है कि हमें सबसे पहले सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट का हमारा लॉजिक है, इस 3 स्टेटमेंट के बेसिस पर हमारी वर्किंग परफॉर्म होती जाएगी कि हमें यहाँ 60 को डिवाइड करना है मिनट के लिए और सेकंड को डिवाइड रिमाइंडर निकालना है सेकंड के लिए, और सेकंड की वैल्यू हर बार 1 से इंक्रीज होती चली जाएगी। तो हम यहाँ कंडीशन भी चेक करना है क्योंकि हमारे पास 00 जैसे ही 9 से 10 होगा तो हमारा जो 0 हमने अपेंड कर रखा है, 0 को हमने ऐड कर रखा है, उस 0 को हमें मैनिपुलेट करना है किससे, 10, 1 से रिप्लेस करना है, तो नहीं तो 0 हमारा अपेंड होता हुआ नजर आएगा। तो अब इस ST के साथ उस सेकंड को भी ऐड करना है, ST इक्वल्स टू हमें यहाँ बताना पड़ेगा क्या, हर बार ST की वैल्यू को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ बताया कि जैसे ही हमारा अगर सेकंड की वैल्यू लेस देन 9 हो तो उस केस में हमारे सामने वैल्यू का डिस्प्ले होना चाहिए। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, हमारे सामने ST प्लस इक्वल टू ये हमें 0 बताना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सिंगल डिजिट में नंबर आएगा। तो हमें यहाँ 0 प्लस हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो सेकंड के अंदर आ रही है, तो वो सेकंड इसके साथ ऐड होते हुए हमारी नई स्ट्रिंग बनती आएगी और 0 तब तक डिस्प्ले होगा जब तक सेकंड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 होगी। तो हम यहाँ 10 कर देते हैं, तो लेस देन 10 होगा तो हमारे सामने वैल्यू डिस्प्ले होगा, अदरवाइज जैसे ही इसकी वैल्यू एल्स ग्रेटर देन 9 हो तो उस केस में हमने क्या करा, इसकी वैल्यू को हमने चेंज करते हुए ST इक्वल टू हमने सिर्फ सेकंड बताया क्योंकि अब हमारे पास डबल डिजिट में नंबर आना शुरू हो जाएंगे, तो और हमारे पास डबल डिजिट ही चाहिए क्योंकि 60 तक ही चाहिए, तो हमें इसमें 0 अपेंड नहीं करना। जब हमारे पास सिंगल डिजिट है तो उस केस में उसमें हम 0 अपेंड होते हुए नजर शो करना चाहते हैं। इसी तरह हमने जिस तरह से सेकंड के लिए किया वही टास्क हम मिनट के लिए भी परफॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ मिनट के लिए भी परफॉर्म करके देख सकते हैं, तो यहाँ हमने मिनट के लिए भी वैसे ही एक्टिविटी करी। तो हमने यहाँ मिनट जैसे ही हमारे पास यहाँ ये हमारा जो वर्क कर रहा है वो ST2 वर्क कर रहा है, तो हमने यहाँ इसके अंदर ST2 में हम हर बार ऐड करते आएंगे, और यहाँ मिनट हमारा ST1 के लिए चल रहा है तो हमने ST1 को स्पेसिफाई किया, और यहाँ
सेकंड की जगह मिनट से हमने इसको चेंज कर दिया। तो अब आपके सामने जो वैल्यू शो होती जाएगी वो इसके करस्पॉन्डिंग ऐड होती चली जाएगी। तो हमें यह स्ट्रिंग में कॉन्किटिनेट करना ज़रूरी है मिनट को, हम क्योंकि हमारे मिनट एक इंटीजर फॉर्म के अंदर है और स्ट्रिंग को के अंदर आगे जब हमें स्टोर करना है तो उसको कॉन्किटिनेट करके ही हमें स्टोर कर सकते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास ST1 और ST2 की वैल्यू चेंज होती भी नजर आएगी और उसकी करस्पॉन्डिंग हर बार इस तीन स्टेटमेंट के लॉजिक हमें यहाँ इफ कंडीशन के भी वर्क इफ कंडीशन का यूज करके भी हम वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। बट इट इज़ अ टू मच लेंदी प्रोसेस कि हम कंडीशन दें फिर उसके बाद उस वर्किंग को परफॉर्म करें, तो वो सारा वर्किंग हम ना कर रहे थे हम इस तीन स्टेटमेंट के थ्रू भी, क्योंकि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर और मॉड्यूलर डिविजन ऑपरेटर के थ्रू भी हमें ये वर्किंग परफॉर्म करके इजिली वे में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। हमने हमारी फाइल का नाम दिया, क्लास का नाम दिया था डिजिटल क्लॉक, इसी नाम से हमें सेव करना पड़ेगा। तो हमने इसको सेव किया यहाँ पर। सॉरी, यहाँ हमें इस बार डिजिटल क्लॉक को इम्प्लीमेंट करना है तो उसको हमें कंपाइल करके देखना पड़ेगा। ओके फाइन, एप्लेट अगेन, हमारी जो पर्टिकुलर डिजिटल क्लॉक हमें डिस्प्ले होगी वो 150/150 लोकेशन पर ही डिस्प्ले होगी। ये देखिए, अब ये डिजिटल क्लॉक 200 मिलीसेकंड के करस्पॉन्डिंग काम कर रही है। तो हमें 200 मिलीसेकंड नहीं चाहिए क्योंकि हमारा 1000 मिलीसेकंड भी इक्वल्स टू 1 सेकंड होता है। तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर वे में 1000 स्पेसिफाई करेंगे। अगर आपको मिलीसेकंड में भी लेना है तो फिर मिलीसेकंड के करस्पॉन्डिंग 1000 को यूटिलाइज करते हुए मिलीसेकंड को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। हमने यहाँ आर नहीं लिया क्योंकि आर को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें 1 आर के लिए वीडियो को होल्ड पे रखना पड़ेगा। सो राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन योर ओन सिस्टम थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई हाउ कैन यू परफॉर्म डिजिटल क्लॉक इन द आर मिनट और इन सेकेंड फॉर्म। यहाँ हम देख के करके देखेंगे कि जैसे ही हमारा 59 होता है अगेन इट विल बी कम इन टू 00, अगेन सेम थिंग अगेन एंड अगेन परफॉर्म फॉर, सॉरी हमने थोड़ा सा यार मिस्टेक करी है, हमारा जीरो चेंज हो चुका है। तो हमें उस जीरो को थोड़ा रिप्लेस करके देखते हैं इनिशियली कि यहाँ किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। हमने क्या मिस्टेक करी है यहाँ देखते कि हमने यहाँ जीरो की करस्पॉन्डिंग क्यों डिस्प्ले हुआ। ये देखिए यहाँ पर 01 हो चुका है। यहाँ करके देखते हैं हमने क्या मिस्टेक करी है। प्लस इक्वल्स टू बताना पड़ेगा। यहाँ ये हमने सेकंड कर रखा है, इसको भी हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा मिनट के करस्पॉन्डिंग, इसीलिए वहां पे चेंजेस हमें मिनट्स में भी शो हो रहे हैं। अब हमारे सामने प्रॉपर वे में डिस्प्ले होगा, देखते हैं हम करके यहाँ पर कि किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए अब चेंजेस नहीं हुआ, हमारे पास वही वर्किंग हो रही है। हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा होल्ड करके देखते हैं कि किस तरह से पूरी आपके सामने डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले हो रही है। पहले हम इसी पर्टिकुलर 1 सेकेंड का यूटिलाइजेशन स्ट्रिंग को या टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए कर रहे थे या फिगर को मूव किया था ना। अब इस केस में हम उसी, अब यहाँ हम फिगर पर्टिकुलर टेक्स्ट को मूव नहीं करवा रहे, हम यहाँ इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं। तो हम थ्रेड का अपनी रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग जिस अकॉर्डिंग करने जाते हैं हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये 1 मिनट, जैसे 60 पे पहुंचेगा ये 1 मिनट में कन्वर्ट होगा, अगेन सेकेंड विल स्टार्ट फ्रॉम 00:00। देखिए
So this is the way you can understand how can you perform a digital clock working. Thank you so much. Next class में हम event handling के corresponding task perform करके देखेंगे. Thank you so much. Have a nice day.